हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी मैक्रोनी। ये मैंने मैक्रोनी लिया है। अब मैक्रोनी को बॉयल करने के लिए मैंने हल्का सा पानी ले लिया। पानी को गर्म करने के लिए मैंने गैस पे रख दिया। इसमें एक स्पून ऑयल डाल देंगे ताकि मैं जो मैक्रोनी डालूं इसमें इससे ना बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे। ये देखिए मैक्रोनी में बिल्कुल अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। ये देख लीजिए, बिल्कुल अलग अलग ऑयल डालने से मेरी मैक्रोनी दिख रही है। अब गैस को बंद कर देंगे। अब इसमें का सारा पानी गिरा देंगे। ये देखिए बिल्कुल इसको ठंडे पानी से बिल्कुल अच्छी तरह से धुल देंगे। आप देखिए मैं इसमें ठंडा पानी डाल रही हूँ ताकि मैक्रोनी बिल्कुल, ये देखिए अलग अलग दिख रही है। ये मैक्रोनी अच्छी तरह से बॉयल भी हो चुकी है। अब इसमें का भी ठंडा पानी गिरा देंगे। सारा पानी गिरा दिया इसमें का और ठंडा होने के लिए साइड में रख दिया। मैक्रोनी बनाने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया। इसमें ऑयल डाला मैंने, हल्का सा जीरा, फिर उसके बाद गाजर, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर और प्याज। आपके पास शिमला मिर्च हो तो शिमला मिर्च भी डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब इसमें हरा मिर्च और लहसुन डाल देंगे फ्राई होने के लिए। ज्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्का ही फ्राई करेंगे। मैंने प्याज डाला, अब इसको चला लेंगे। अब इसमें मैंने गाजर डाल दिया। देखिए मैंने गाजर डाल दिया। उसके बाद टमाटर डाल देंगे, मैंने टमाटर भी डाल दिया। बिल्कुल लाइट फ्राई करना है, ज्यादा नहीं करना है। हल्दी डाला मैंने हल्का सा। उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया हल्का सा। मैंने गरम मसाला डाल दिया इसमें। उसके बाद मैंने पास्ता मसाला डाल दिया। अगर आपके पास मैगी मसाला है तो मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आएगा बिल्कुल। उसके बाद मैंने हल्का सा चिली सॉस डाला। ये मैंने टोमेटो सॉस डाल दिया, ज्यादा ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का हल्का सा डालेंगे। ये मैंने सोया सॉस थोड़ा सा डाल दिया। अगर आपके पास विनेगर है तो थोड़ा सा विनेगर भी डाल दीजिए, नहीं तो वैसे तो आपने टमाटर डाला ही है। अब सबको मिक्स कर देंगे। ये देखिए अब ये फ्राई हो चुका है। अब इसके बाद इसमें डाल देंगे, ये देखिए सबको मिक्स कर देंगे। उसके बाद लास्ट में इसमें हरा धनिया पत्ता डाल देंगे। ये देखिए मैंने डाल दिया। इसको चला देंगे बिल्कुल। फिर इसको एक प्लेट में मैंने निकाल दिया सारा। ये देखिए एक प्लेट में निकाल दिया।